इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। और जब बिजली आती है तो फिर वो 2-4-5 घंटे के लिए आती है, बाकी समय बिजली उसकी मिले बंद है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब आप खुद मजबूत बन जाएंगे ना, फिर आपको ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं होगी, फिर तुर्की आपके पास आएगा। और ये जो ब्लॉक की बात कर रहे हैं कि ये लोग ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया में सुनने को आता है। मैंने ईरानी मीडिया में नहीं सुना कि हम पाकिस्तान के साथ बड़े एक्साइटेड है, कोई ब्लॉक बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी तरफ से ही पाकिस्तान को जाएगा, पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं आएगा वहां पे। तो बराबर के रिश्ते होते हैं, बराबर की दोस्ती होती है। जब दो मजबूत पहलवान होते हैं तब उनकी लड़ाई भी अच्छी होती है, उनकी दोस्ती भी अच्छी होती है। तो आप, मैं यही कह रहा हूं, आप ये सब ना, ये जो पाकिस्तानी, ये जो हम शाहीन हैं और ये सब ना, ये डायलॉगबाजी बंद करके आप बुरा मत मानिए मेरी बात का अर्जुन जी, सिंपल सा बोलिए जी, हम पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तान की बेहतरी करनी है। और पाकिस्तान की बेहतरी किस तरीके से होगी, जब पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करेंगे लोग, जब वहां पे करप्शन कम होगा, जब वहां पे जो बाकी चीजों का बुरान है वो कम होगा, ठीक है ना, जब वहां पे एनर्जी की सिक्योरिटी होगी, जब वहां पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, जब आटा, दाल, चावल, ये सब चीनी सस्ती होगी आम लोगों की, तब जाके जब इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी और आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फिर आप जाके, फिर जब ये सब हो जाएगा ना, फिर अमेरिका, आप डायरेक्टली यूरोप से बात करेंगे, तुर्की वुर्की, ये जो अपने आप को ना वुड बी यूरोपियंस मानते हैं कि जी हम भी गोरे हैं, वो भी गोरे हैं, तो हम भी, क्योंकि बॉस्फोरस पे हैं और यूरेशिया का ये है, ये सब ये नकली यूरोपियन है तुर्की वाले, फिर आपको नकली से बात नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, फिर आप इक्वल टर्म्स पे बात करेंगे लोगों से। आप सऊदी अरब से बोलेंगे, हाँ ठीक है तुम्हारे पास तेल है ना, हम पैसा दे के खरीदते हैं तुमसे तेल, तुमको एहसान नहीं करते हमारे ऊपर, कोई लोन नहीं दे रहे हमें, बताओ, फिर यू कैन से बताओ कितना पैसा लिया, ये लो चेक, तेल भेजो। ऐसे बात होती है, जिस दिन वैसे पाकिस्तान बात करेगा, फिर ये सब, ये छोटे मोटे ईरान का आपको ना ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेजर साहब, ये जो हम लोग न्यूक्लियर एसेट्स बनाते जा रहे हैं सारी दुनिया में ही, बल्कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान नहीं, क्या ये कोई सिक्योरिटी देता है? और हमारी जैसी कंट्रीज में सारा पैसा उसमें लग जाता है, अगर हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से रहें तो, और ये चीज़ों के ऊपर पैसे इन्वेस्ट ना करने पड़े, आपको नहीं लगता? क्योंकि आपकी कंट्री में भी जो आम आदमी है उसकी वही हालत है जो हमारे यहाँ, वो भी सड़क पे सो रहा है, वो भी भूखा है, उसके पास भी जॉब नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में सबके पास जॉब है। तो अगर हम ये न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर पैसे लगाना, हथियारों के ऊपर पैसे लगाना बंद कर दें या कम कर दें, तो उससे कुछ बेहतरी आ सकती है? क्या ये सिक्योरिटी देते हैं ये हथियार और ये न्यूक्लियर बॉम्ब? क्या हम चला सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल के चलाने की हिम्मत है किसी में। आरसू जी, दो चीजें, ये बात सही है कि हिंदुस्तान में लोग भूखे सोते हैं, सड़क पे सोते हैं, फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं, ये एक हकीकत है। पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, ये भी हकीकत है। लेकिन अगर आप पैरामीटर्स देखें, आप इंडिकेटर्स देखें, तो हमारे गरीबों की हालत अच्छी होती जा रही है, पाकिस्तान के गरीबों की हालत बुरी होती जा रही है। हमारा 1% हर साल पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठता है। हमें अपनी ग्रोथ मैनेज करनी है। अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ हमारी 8 या 9 टच कर जाती है, जो हम कोशिश कर रहे हैं 9 टच कर जाती है, और जैसा कि मोदी जी ने बोला हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाते हैं, तो गरीबी फिर कम हो जाएगी काफी। मैं ये नहीं कह रहा गायब हो जाएगी, लेकिन आरजू जी काफी हद तक वो हमारी गरीबी जो है लोगों की वो कम हो जाएगी। हमारी सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। क्या परफेक्ट काम कर रही है? बिल्कुल नहीं, परफेक्ट काम नहीं कर रही, और मेहनत करनी पड़ेगी सरकार को, लेकिन सरकार हमारी आज की सरकार है लगी हुई है इस चीज पे। लेकिन आरजू जी ये चीज है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है, पाकिस्तान में और लोग गरीब बनते जा रहे हैं। बिकॉज अभी अभी इमरान खान साहब का बयान आया ना कि 2.5 साल तक तो मुझे पता ही नहीं लगा कि करना क्या है वहां पे, यू नो 2.5 साल मुझे सीखते सीखते चले गए। तो वो तो कह रहे थे कि मैं सब सीखा सिखाया आया हूँ, मैं आते ही सबकी बैंड बजा दूंगा, तो फिर वो हुआ नहीं। तो वो चीज़ है कि जब हुकूमत में आते हैं तो सरप्राइजेज आते हैं। दूसरी चीज, जहां तक आपने एटॉमिक एनर्जी की बात करी या आपने एटम बॉम्ब्स की बात करी, देखिए हमारे साथ वो अफोर्डेबिलिटी का मामला नहीं है। इंडिया इस सीन, मैं बता रहा हूँ उसमें फर्क क्या है। एक तो हमारे लिए ज्यादा कोई बजट का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी इज डूइंग ओके और वी हैव इनफ मनी, हम अपना एटॉमिक प्रोग्राम मैनेज कर लें, ठीक है। पाकिस्तान ने अपना एटॉमिक प्रोग्राम इसलिए बनाया क्योंकि इंडिया ने बना लिया था,
तो आपने बोला कि जी इंडिया है तो हम भी चाहिए। अब ये जब बातें हो गई ना कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो वर्ल्ड लेवल पे है, पाकिस्तानी मीडिया कुछ भी बोले आरजू जी, इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है दैट इज सीन एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर प्रोग्राम, पाकिस्तान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इज सीन एज एन इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसीलिए आप लोगों ने डॉक्टर अब्दुल कदीर को जेल में डाला, मुशर्रफ ने जेल में डाला, आज की तारीख में भी उनकी हालत टाइट है, अपने हाउस अरेस्ट में है वो, अब्दुल कदीर खान जाके फादर ऑफ द पाकिस्तानी न्यूक्लियर बॉम्ब। प्लस विकीलीक्स में भी आया है कि पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को पता नहीं किस किस को बॉम्ब की टेक्नोलॉजी दी जो नहीं देनी चाहिए थी। तो दोनों मुल्कों को कंपेयर करना आरजू जी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारा मामला, इंडिया का मामला बहुत आगे जा चुका है। मतलब हमारे, हम लोग वी आर टॉकिंग टू अमेरिकन अबाउट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वी आर टॉकिंग टू द यूरोपियंस अबाउट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इंडिया दो लेवल पे है, एक इंडिया वो जो आप समझते हैं कि जो गरीब है और है भी यहाँ पे, है भी यहाँ पे, एक वो इंडिया जो 21वीं सदी में नहीं 22वीं सदी में जा रहा है, जो स्पेस रिसर्च की बात कर रहा है। एक इंडियन है जो यू नो फ्लाईओवर के नीचे सो रहा है, जिसने शायद रात को खाना नहीं खाया, सिर्फ दोपहर को एक बार खाना खाया था, रात का खाना नहीं खाया, वो भी हमारी सच्चाई है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इसरो जो है हमारा, राइट, नेटो, सॉरी वो जो इनका क्या नाम कहते हैं, इनका जो नासा है अमेरिकन का, नासा वाले आके हमसे सीखना चाहते हैं कि भाई आप 100-100 सैटेलाइट एक साथ कैसे भेज सकते हैं, इतना आपने सस्ते में इतना एफिशिएंट स्पेस प्रोग्राम कैसे बनाया। तो इंडिया काफी लेवल्स पे चलता है अर्जुन जी, एक एक लेवल पे इंडिया नहीं कि आप बोले गरीब तो सिर्फ गरीबी है और अच्छा है सिर्फ अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन गरीबी पे नजर है और चीजें हो रही हैं और मतलब ये ठीक ठीक अच्छाई की तरफ जा रहा है मामला। लेकिन आपको लगता है कि ये जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं ये कोई सिक्योरिटी देते हैं आपको या पाकिस्तान को? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, हमें तो पूरी देते हैं। हम लोग बीजिंग को हिट कर सकते हैं, बीजिंग को ये पता है, हमें ये पता है, बस का नहीं करता, ये इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, सही, वो क्या कर लेंगे अगर, देखिए सुनिए, वो कर क्या लेंगे हमारा। देखिए साहब 130 करोड़ का मुल्क है, ठीक है ना, क्या कर लेगा बीजिंग हमारा, क्या कर लेगा, लद्दाख पे वो भी बैठे, हम भी बैठे हैं, 50 साल तक बैठे रहेंगे, हम 50 साल तक बैठे रहेंगे। देखिए इंडिया टाइम हैज कम, इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द वर्ल्ड स्टेज, हिंदुस्तानियों ने, राइट, जो ये सेलेक्ट फ्यू थे ना, ये जो आपके P5 जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर हैं, जो इन्होंने एक्सक्लूसिव क्लब बना रखा था, भाई इसमें सिर्फ ये लोग होंगे 5, उस क्लब में हम लोग घुस गए हैं, हमने पैर मारा और हमने दरवाजा तोड़ दिया, अब हम घुस गए। अब दुनिया को पता है, अमेरिका ये बात कबूल करता है, चाइना भी कबूल करता है, वो डायरेक्टली बोलना नहीं चाहता बिकॉज हमारा कॉम्पिटिटर है डायरेक्ट, लेकिन यू कैनॉट सर्वाइव विदाउट इंडिया इन दिस वर्ल्ड, वी आर सिंपली टू स्ट्रॉन्ग, वी आर सिंपली टू पावरफुल, वी आर ग्रोइंग टू फास्ट, और दुनिया का जो आप देखिए हर जगह पावर स्ट्रक्चर में इंडियंस हैं आज, इसके पीछे आरजू जी 70-72 साल की मेहनत है, इतने हिंदू, मैं तो जो हिंदुस्तानी माँ बाप हैं, राइट, मैं उनको सलूट करता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ, हिंदुस्तानी माँ बापों को, माँ बाप ऐसे थे मैं जानता हूँ जिन्होंने एक रोटी कम खाई अपने बच्चे को पढ़ाया, उन्होंने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे, अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदी, और आज वो हिंदुस्तानी सिलिकॉन वैली पर राज कर रहे हैं। दीज आर नॉट रिच पीपल कि आप बोलें कि साहब ये बड़े अमीर थे और उनके घर में गाड़ियां थी, नौकर चाकर थे, ये बड़े आम से हिंदुस्तानी हैं, छोटी छोटी गलियों में कुछों में रहने वाले, जिनके बच्चे आज सिलिकॉन वैली पर राज कर रहे हैं। फेसबुक से लेकर, ट्विटर से लेकर, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कहीं पर भी जाइए आपको हिंदुस्तानी मिलेंगे, ये हमारा एक। तो गाइज ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो करते हैं इस वीडियो के बारे में बात, मेजर गौरव वाले, आप एज़ यूजुअल आप इनको सुनते हैं, प्राउड फील करते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, इनकी बातें ऐसी होती हैं कि आपको एनर्जेटिक कर देती हैं। तो मेजर गौरव वाले ने एज़ यूजुअल पाकिस्तान के साथ वही बातें की जो पाकिस्तान नहीं सुनना चाहता है, पाकिस्तानी डेफिनेटली नहीं सुनना चाहते। हालांकि आरजू काजमी, आप जानते हैं आरजू काजमी इस तरीके की काफ़ी डिबेट ऑर्गेनाइज करती हैं जिसमें वो इस तरीके के टॉपिक्स उठाती हैं जिसमें पाकिस्तानी मीडिया में ये टॉपिक कोई भी नहीं सकता है, बेसिकली बात ये है। और मेजर गौरव वारे ने पाकिस्तान को बताया कि भैया आप जो टर्की के साथ जो प्रोग्राम चालू करने की कोशिश कर रहे हो, ट्रेन जो टर्की से आएगी ईरान, ईरान से आएगी पाकिस्तान, आप कैसे चालू कर सकते हो, आप तो एक ठो
चैनल बना नहीं पाए जो आपने इमरान खान ने बोला था मलेशिया पाकिस्तान टर्की एक इस्लामी चैनल बनाएगा जो इस्लामी फोबिया के ख़िलाफ़ लड़ेगा, एक चैनल नहीं खड़ा कर पाए आप, जो कि बहुत छोटी सी चीज़ है। चैनल खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है, आज के ज़माने में बहुत कम इन्वेस्टमेंट में चैनल चालू हो सकता है। तो आप ये ट्रेन का प्रोजेक्ट, आप तो ये मतलब आपके लिए एक तो एक आसमानी ख्वाब हो जाएगा। इस तरीके की बातें मतलब आप ना ही करें, इस तरीके की बातें बेवकूफ़ बनाने के लिए ही की जाती हैं अक्सर। और पाकिस्तान मान लीजिए अगर ये प्रोजेक्ट बन भी गया, मेजर और गौरव वालिया का कहना है, तो पाकिस्तान को इसमें क्या फ़ायदा होगा? पाकिस्तान को टर्की पैसे देने वाला नहीं है, टर्की में वो दिलेरी नहीं है जो अरब में थी। अरब को पता है कैसे पाकिस्तान को पैसे दिए जाते हैं, सेट किया जाता है, पाकिस्तान से काम निकाला जाता है। टर्की केवल आपका सीना फुला फुला कर चौड़ा करेगा इस्लाम के नाम पर, इस्लाम के नाम पर आपको वो पैसा नहीं देगा, नहीं बोलेगा तुम भी मुसलमान मैं भी मुसलमान ले आओ पैसे भैया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और ईरान को तो आप अभी ऐसा कंसिडर कर रहे हैं जैसे कि वो आपकी गोद में है। ईरान के साथ पाकिस्तानियों मुसलमानों का आज से नहीं 1400 साल पुराना एक झगड़ा चला आ रहा है जो कि अनडिस्प्यूटेड कभी सॉल्व नहीं होगा। सिया सुन्नी का मुद्दा है आपको भी पता है, तो ईरान को आप ऐसा कैसे डील कर लेंगे? आप भी जानते हैं ईरान के साथ ऐसे संबंध बनाना आसान नहीं है, ईरान पाकिस्तान के इतने अच्छे संबंध भी नहीं है। बस आप अगर सोचते हैं कि इस्लाम के नाम पर ऐसा देश बनते तो इस्लाम के नाम पर फिर पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान और बहुत सारे स्थान हैं आपको पता है कगाजस्तान, सारे लोग एक हो जाओ इस्लाम के नाम पर। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये ट्रेन के सपने, ये सपने, वो सपने भूल जाओ, अपनी इकोनॉमी पर फोकस करो, 20 साल भूल जाओ कश्मीर अश्मीर। दोस्तों आपने वीडियो देखा, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको इसी तरीके के वीडियो आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, जय हिंद। नए वर्ष में आपका स्वागत होने वाला है, अच्छे से मनाएं, सेलिब्रेट करें और परिवार को खुशियां दें। धन्यवाद दोस्तों।